ये है नया पाकिस्तान और बहुत नया पाकिस्तान कि आज रियासत औरतों की हिफाजत नहीं कर सकती क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। तो सीसीपीओ लाहौर है वो इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन कराने पे कहता है मैं सीधी बात करता हूँ कि बेटियों वालों बहनों वालों होश करो ख्याल करो ध्यान करो इस सीसीपीओ लाहौर जैसे बेशरम और बेहया शख्स को नौकरी से निकाला जाए। इस सीसीपीओ को इबरत का निशान बनाया जाए। इस सीसीपी लाहौर को इसके साथ वो कार्रवाई हो कि आने वाले जितने अफसरान हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट की जाए। फौरी तौर पर इसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। माँ के साथ भी तीन बच्चे थे, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, रियासत के ऊपर थी, कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऊपर थी। आपका ये बयान कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरतें महफूज हैं, इसकी नफी करता है, आर्टिकल 9 की नफी करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपने कहा कि आज रियासत औरतों की हिफाजत नहीं कर सकती क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। आपने कहा कि आज पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। आपने कहा कि मुल्क में आज रिट ऑफ स्टेट नहीं है क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। ये सीसीपीओ लाहौर का माइंड सेट है, ये उन लोगों का माइंड सेट है जिन्होंने इस सीसीपीओ इस लाडले को रखने के लिए आईजी को तब्दील कर दिया। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती, मैं आज सियासत पे बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं हर रोज करती हूँ। इस बयान के ऊपर आज पाकिस्तान की 11 करोड़ बच्चियां बेटियां ये मुतालबा करती हैं कि इस सीसीपीओ को नौकरी से निकाला जाए, इस सीसीपीओ को इबरत का निशान बनाया जाए, इस सीसीपी लाहौर को इसके साथ वो कार्रवाई हो कि आने वाले जितने अफसरान हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट की जाए। ये बयान उतने ही सजा का उतनी ही सजा इस बयान पर इनको देनी चाहिए जितनी उस रेपिस्ट को दी जाएगी जो ये रेप विक्टिम शेमिंग करते हैं और अफसरान करते हैं, अपनी ड्यूटी के ऊपर होते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी की नफी करते हैं और अपना बर्डन, अपनी नाअहली का बर्डन, अपनी ओवरसाइट का बर्डन किस पर डालते हैं? उस मजलूम मां पर जिसको इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर इसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए इस सीसीपीओ को, क्योंकि जब तक ये सीसीपीओ रहा पाकिस्तान में पंजाब में लाहौर में औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, नहीं हो सकती। हमारा पहला मुतालबा है कि इस सीसीपीओ को नौकरी से निकाला जाए फौरी तौर पर, और दूसरा मुतालबा है कि इस मुकदमे की ये जो सानिया हुआ है, ये जो वाकया हुआ है, अंधोनाक वाकया हुआ है, इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर दहशतगर्दी की दफा लगे। ये वो जहनी दहशतगर्दी है जिसका निशाना मासूम बच्चियां मासूम बेटियां मासूम माएं भुगत रही हैं। और जो सीसीपीओ लाहौर है वो इसके ऊपर क्या कहता है? वो इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन कराने पे कहता है मैं सीधी बात करता हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ कि बेटियों वालों बहनों वालों होश करो ख्याल करो ध्यान करो कि मैं मेरी रियासत मेरा महकमा मैं मफलूज हूँ, मैं हिफाजत नहीं दे सकता। बहनें बेटियां और माओ वाले अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। तो मेरा सीसीपीओ से एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि आपकी माएं और आपकी बहनें फ्रांस रहती हैं? कहाँ रहती हैं? वो इसी मुल्क में रहती हैं और दूसरों की माओ बेटियों और बहनों की तरह हम भी चाहते हैं कि उनकी इज्जतें महफूज रहें, हम भी चाहते हैं कि उनको यहाँ का आईन वही तहफ्फुज फराहम करे जो 11 करोड़ अवाम की बेटियों बहनों और माओं को फराहम किया जाता है, जो पाकिस्तान के शहरियों को फराहम किया जाता है। दहशतगर्दी की दफा लगे दूसरा मुतालबा है, और जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा है। ये तीनों चीजें पाकिस्तान की खवातीन इस वक्त मुतालबा कर रही हैं। और अगर इस सीसीपीओ को नौकरी से ना निकाला गया तो आइंदा आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता इसी तरह रेप विक्टिम शेमिंग होती रहेगी, इसी बेगैरती के साथ होती रहेगी, इसी बेहिसी के साथ होती रहेगी जिसका मुजाहरा सीसीपीओ लाहौर ने किया। माओ बेटियों और बहनों के वालदैन और भाइयों को तंबी करने से पहले हम आपको तंबी कर रहे हैं कि इस्तीफा दें, और अगर इस्तीफा ना दें तो इनको नौकरी से निकाला जाए। और मैं एक और तंबी कर रही हूं इन खवातीन की को रिप्रेजेंट करते हुए कि जो वुजरा है वो अपनी जबानें बंद करें। इस वाकये के ऊपर, इस हादसे के ऊपर इस किस्म के बयानात नाकाबिले कबूल हैं और बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अनएक्सेप्टेबल रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस वाकये के ऊपर। ये मुतालबात यहां खत्म नहीं होंगे, ये तब तक जारी रहेंगे जब तक ये पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है, ये पाकिस्तान में औरतों के तहफ्फुज का सवाल है, ये पाकिस्तान की उन वालदैन का सवाल है जिनके आज घर मातम बिछा हुआ है।
और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो इस माइंडसेट की वजह से रिपोर्ट नहीं होते, जहां वालदैन को हरास किया जाता है, जहां विक्टिम्स को शेम किया जाता है उनका बाजू बनने की बजाय, उनका सहारा बनने की बजाय, कानून उनकी हिफाजत करने की बजाय, इस सीसीपीओ लाहौर जैसे बेशरम और बेहया शख्स उस माइंडसेट इनकरेज करते हैं उन लोगों को जो इस किस्म की दरिंदगी करते हैं, जो इस किस्म की दहशतगर्दी करते हैं। इसलिए हम सबका मुतालबा है कि जल्द से जल्द इन मुतालबात के ऊपर अमल किया जाए और किसी को अगर बचाने की कोशिश की गई सीसीपीओ लाहौर समेत तो उसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। देखिए बात बड़ी सिंपल है, जैसे मैंने पहले ये कहा कि यहाँ खवातीन जो हैं तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ से आई हुई हैं, तो मैं एक पार्टी की हैसियत से तर्जुमान की बात नहीं करूंगी, लेकिन बिल्कुल मौजूद हैं। इस सीसीपीओ लाहौर की करप्शन, इनके इसी किस्म के रवैये, मिसकंडक्ट की तमाम रिपोर्ट्स आपके पास भी हैं, मीडिया के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। लेकिन जब इस तरह के लाडलों को का दिफा रियासत करेगी, वजीर आजम पाकिस्तान करेगा, उस सूबे का वजीर आला करेगा, पूरी काबीना करेगी, तो नतायज के लिए इसी किस्म की हैरानगी करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो आपने की दो ग्रुपों में, मैं उनको भी सलाम पेश करती हूँ जो इस हुकूमत के साथ होते हुए उस मजलूम माँ का साथ दे रहे हैं, और वो लोग जो इस मजलूम माँ के दिफा में नहीं बल्कि सीसीपीओ लाहौर के दिफा में है, उसको अगर यहाँ सजा ना मिली तो अल्लाह ताला की अदालत में जरूर जवाब देना पड़ेगा। और पंजाब के अंदर आपको याद होगा कि एक जैनब केस आया था, आपको याद होगा उस वक्त वजीर आला कौन था, और जिसने उस वक्त रात को चैन से नहीं बैठा था, पूरा सिस्टम हिला के रख दिया था और कैफरे किरदार तक पहुंचाया था, और जिस तरह पूरे सिस्टम ने मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर मुजरिम को सजा दिलवाई थी, आज भी पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम वही तवक्को रखती है, पाकिस्तान की औरतें वही तवक्को रखती हैं ताकि ये जैनब बनने का सिलसिला बंद हो और औरतों को उनका आईनी हक मिल सके पाकिस्तान के हर शहरी की तरह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले बात तो है कि कानून मौजूद है, अगर उस कानून की नफी कानून नाफिज करने वाले अदारे और अफसरान करेंगे तो आप इसकी सजा सजाए मौत भी रख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मैं और खवातीन जितनी हैं वो समझती हैं कि सरेआम लटकाना चाहिए, सजाए मौत देनी चाहिए, और उस कानून की हमने उसका साथ भी दिया था और उसको वोट भी किया था। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब बयान ऐसा होगा जो कोई कानून उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, वो कानून की नफी करे, तो उस पर कोई भी कानून हो वो इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक इस तरह के अफसरान जो होंगे वो तानियात किए जाएंगे, क्योंकि ये है नया पाकिस्तान और बहुत नया पाकिस्तान जिसमें मोटरवे पे बोर्ड लगेगा कि रात को अंधेरे में औरतें गाड़ी ना निकालें, रोटे मोटरवे की एंट्रेंस पे कहा जाएगा कि रात को अगर औरत निकली, सड़कों पे शहराओं पे बोर्ड लगेंगे कि अगर खातून रात को निकली अकेली जीटी रोड नहीं मोटरवे पे, तो वो अपनी इज्जत की खुद जिम्मेदार है, अपनी हिफाजत की खुद जिम्मेदार है, क्योंकि रियासत मफलूज है, क्योंकि वो उसको तहफ्फुज फराम नहीं कर सकती। ये है असल बात, इस पे कानून मौजूद है लेकिन कानून नाफिज करने वाले और ऊपर से लेकर नीचे तक को ये पता होना चाहिए कि कानून कैसे नाफिज किया जाता है। देखिए बात ये होती है कि रियासत जो होती है ना वही इस इखलाकी पैराडाइम को बनाती है, वही इस इखलाकी ढांचे को तश्कील देती है। अब आप ये देखें कि लाहौर, इस एग्जांपल में देखें, लाहौर सियालकोट मोटरवे पे पुलिस नहीं है, मोटरवे पेट्रोलिंग नहीं है, फेंसिंग मौजूद नहीं है, वहां जो लोग हैं और उनकी तो इखलाकी पस्ती, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं अल्फाज में इस दरिंदगी को, इस दहशतगर्दी को बयान नहीं कर सकती जो लोगों ने ये फेल किया, लेकिन उसके ऊपर एक रियासत की जिम्मेदारी होती है। क्यों नहीं, 6 महीने हो गए मोटरवे पुलिस ने क्यों फेंसिंग नहीं की, क्यों पुलिस पेट्रोलिंग वहां नहीं थी? यहां वजीर जो कम्युनिकेशन का वो कहता है कि जी टोल बढ़ा दो, टोल कम कर दो, उसको ये नहीं पता कि सियालकोट लाहौर मोटरवे के ऊपर कोई फेंसिंग मौजूद नहीं है, वहां पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं है, वहां मोटरवे पुलिस मौजूद नहीं है। और जब औरत फोन करती है उस पे जो ये बड़ा बड़ा लिखा होता है कि यहां फोन करें हेल्पलाइन है, वहां आपको जवाब मिलता है कि लाहौर पुलिस को फोन करें, लाहौर पुलिस से जवाब मिलता है एसडब्ल्यूओ को फोन करें। ये जिम्मेदारी रियासत की है और इसकी सजा भी रियासत को मिलनी चाहिए, उन मुजरमों वाली सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इसके ऊपर ओवरसाइट किया और इसको इग्नोर किया। देखिए मैंने कोई जज्बात की बात नहीं की, मैंने बड़ी इससे ज्यादा जज्बात की बात मैं कर सकती हूं जो मेरे और इन खवातीन के इस वक्त जज्बात हैं, लेकिन मैंने तमाम कानूनी पहराओं में मैंने बात की है
कि जो इस किस्म का बयान देगा, जो इस किस्म का बयान देगा वो भी दरिंदा है, वो भी दहशतगर्द है, मैंने ये कहा है। और वही सजा उसको मिलनी चाहिए जो उन मुजरिमों, उन दहशतगर्दों और उन दरिंदगों को मिलेगी, ये मैंने बोला है। आपने अच्छा किया कि आपने रिपीट करा लिया, मेरी बात रीइंफोर्स हो गई। बहुत शुक्रिया।